जहन दोस्तों, एक अपडेट निकल के आई है अग्निवीर रैली के बारे में, जो कि मेरे पास में इस वक्त आई है। अभी कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन जो अभी खबर मिली है और जो हमारे पास में शेड्यूल आ रखा है प्रोग्राम, वो है लखनऊ का। और लखनऊ जोन में जो है लैंसडाउन का है, लैंसडाउन में कोटद्वार में भर्ती होगी और उसकी डेट होगी 19 से 31 अगस्त 2022, जिसमें चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग सारे ज़िले आएंगे। उसके बाद में अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा में फिर ये रानीखेत में होगा। रानीखेत में जो है 20 से लेकर 31 अगस्त के 2022 अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल एंड उधम सिंह नगर का है। उसके बाद में बरेली का नंबर है, बरेली फतेहगढ़ में होगा। ये होगा 19 अगस्त से 15 सितंबर 2022। बरेली, बदायूं, संभल, पीलीभीत, सहारनपुर, लखीमपुर, ये सारे के सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं सारे आएंगे इसमें। पिथौरागढ़ की मैं बात करूँ तो पिथौरागढ़ और चंपावत दोनों में 5 से लेकर 12 सितंबर 2022 के बीच में चंपावत एंड पिथौरागढ़ की दोनों भर्तियाँ होंगी, जो कि 5 और 12 सितंबर 2022 में होगी। उसके बाद आया मेरठ जोन, तो मेरठ में मुजफ्फरनगर में होगा, जो कि 20 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022, जिसमें अमरोहा, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, रामपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। आगरा की बात करूँ तो आगरा की भर्ती आगरा में ही है और वो 20 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 का दे रखा है इन्होंने। आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मणिपुर, इटावा, इन सब की सारी डिस्ट्रिक्टों की भर्ती आगरा में होगी। उसके बाद में आरओ हेडक्वार्टर लखनऊ का है, जो कि कानपुर में इसका जो है स्थान होगा। और 20 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर 2022 के बीच में ये सारी सारी भर्तियां हैं। उसके बाद अमेठी में है, अमेठी का जो है फैजाबाद, जो 16 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 में संपन्न होनी है। और ये प्रोग्राम जो है आया हुआ है और ये प्रोग्राम जिस तरह से चल रहा, तो दोस्तों ये प्रोग्राम है जो अभी भी जो है कि तैयार हुआ है नया अग्निवीर के लिए। और ये हो सकता है कि कुछ अमेंडमेंट करना हो तो ये चेंज भी हो सकता है, इसकी डेट चेंज हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी जो अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में ये खबर कितनी सच है और कितनी सही निकलेगी ये तो मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन ये प्रोग्राम आया हुआ है तो इस प्रोग्राम के हिसाब से आप मेंटली एंड फिजिकली तैयार होइए। बहुत बहुत धन्यवाद।